हेलो जी, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ, तो आई होप कि आप भी ठीक होंगे। ज़रूरी नहीं है मैं अच्छी मैं अच्छी हूँ और आप भी ठीक हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो चलिए, आज कोई व्लॉग नहीं ला पाई क्योंकि कल से भागदौड़ में बना ही नहीं पाई और आज बिल्कुल टाइम नहीं मिला। और अब टाइम हो रहा है 11:30 का। और एक तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि व्लॉग बन नहीं पाया, दूसरी बात ये कि ये मैं बनाना भी चाहती थी। आपको पहले ही मैंने बता दिया था कि जब घर में से चोरी होती है ना, तो सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि चोरी, इतनी तो चोरी हो गई, अब पीछे और क्या बचा। अब जब पैसे की चोरी हुई तो लोग जानना चाहेंगे कि भाई पीछे पैसे कुछ है कि नहीं है, है तो कहाँ है, क्या है, कैसे बच गए सारे, चोरी कैसे नहीं हुए, और अगर नहीं भी है तो वो भी बताओ कि आपके पास से जो पूरी तरह जो है चले गए। तो ये पूरा जो है मैं बताऊंगी आपको डिटेल से कि मेरे पास कुछ है या नहीं है, जो भी है चीज़। और इसके अलावा अब इस मामले को, 1,70,000 की पूरी चोरी के मामले को एक ऐसी घटना का रूप देना चाहते हैं कि पूरा मामला घमू पे आ जाए, घमू के 1,70,000 भी जाए और इसकी जॉब भी जाए। इस तरह कूच चक्र रचा जा रहा है कि मतलब इंसान किस हद तक गिर सकते हैं। इतने दिन तो मैं सोच रही थी कि ये अकेला ही है, कोई बात नहीं, ये तो है ही, ऐसा क्या करें। लेकिन अब जिन लोगों के नाम सामने आए हैं ना, वो आपको ये घटना जब पूरी बताऊंगी और इन लोगों के बारे में बताऊंगी ना, तो मतलब आप सोचेंगे कि भाई भाई का भी नहीं होता, घर बिखेरने में खून के रिश्ते भी साथ आ जाते हैं। इसके अलावा ये बता रही हूँ कि मेरे पास कुछ है या नहीं है। तो वहाँ से बताती हूँ कि जैसे मैं फ्रिज लाने उस दिन गई थी, तो पेमेंट करना था, तो क्या हुआ कि मैं जो SBI बैंक में मेरा सैलरी बैंक अकाउंट है ना, उसमें ना तो मेरे पास ATM है, ना मतलब ATM है ही नहीं, मैंने बनवाया ही नहीं, और ना ही उसमें कोई UPI ट्रांजेक्शन का ऑप्शन है, मतलब फ़ोन पे वगैरह कुछ भी नहीं है। तो जब भी उससे पैसे निकालने होते हैं तो मैं ऑनलाइन बैंकिंग से निकालती हूँ, और अब मैं वो भी बंद कर दूंगी। तो उससे निकालती हूँ और क्या हुआ कि इस महीने मेरे यूट्यूब के पैसे कम ही आए थे, बहुत कम, 15-1 हज़ार आए थे, वो भी रुक गए। किस वजह से रुके? क्योंकि क्या हुआ था कि पहले तो ये होता था कि जो फर्स्ट डॉलर आते हैं ना, वो $100 होंगे, उससे पहले आप अपने अकाउंट से नहीं निकाल सकते, फर्स्ट टाइम जब आता है। उसके बाद तो भले $10 आए तो भी आपके जो है आ जाएंगे खाते में। लेकिन इस बार जो ये यूक्रेन वाला जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था ना, इस वजह से एक यूट्यूब ने शायद नया रूल निकाला, उसमें बताया कि अगर $200 से आपके डॉलर कम बने हैं ना, तो आपका जो पैसे हैं वो जो डॉलर है रोक लिए जाएंगे, और फिर जब जैसे 200 बन जाएंगे तो आपको जो है अकाउंट में भेज दिया जाएगा। तो इस बार क्या हुआ, मेरे कितने बने थे, 199.92 ऐसा कुछ था, मतलब 0.08 के लगभग इतने डॉलर ही कम पड़े। ये मेरी किस्मत हो सकती है, मतलब बुरी किस्मत ये, अब मुझे ज़रूरत है और वो पैसे आए नहीं है, तो यूँ सोचिए। तो वो जो है $200 है लगभग, लेकिन वो निकालने लायक नहीं है, तो वो अगले महीने आएंगे वो 15,000। तो यूँ समझ लो कि वो 15,000 मेरे पास है, जो कि अब भी जस्ट मुझे ज़रूरत है, तब मैं उनको यूज नहीं कर सकती। तो वो खाता खाली था, पीछे मुझे ज़रूरत पड़ी थी, जब मैं शादी में गई थी, बीच में वापस आई थी कपड़े खरीदने, उस टाइम मैंने जिस पे खाते से पैसे चोरी हुए हैं उसमें से 10,000 निकाल के वो कपड़े वपड़े खरीदे थे। और उससे पहले भी 5-7 दिन पहले मैं यहाँ थी, तब भी मैंने 10,000 निकाले, मतलब वो 20,000 मैंने निकाले, तो उससे मेरे यूज़ हो गए और वो बच गए यूँ समझो। वरना जो है 1,70,000 की जगह 1,90,000 रुपये निकलते, 1,90,000 निकलते, तो वो दो काम में 20,000 तो काम आ गए, क्योंकि बाकी मेरे पास थे नहीं। दूसरा वाला जो PNB का मेरा अकाउंट है जिसमें ये यूट्यूब के आते हैं, उसमें थे नहीं, तो मैंने उसमें से ट्रांसफ़र करके यूज़ किए थे। और फिर जो है, तो जाहिर सी बात है, जब मैं फ्रिज लाने गई तो मेरे पास पैसे नहीं थे अकाउंट में, और उस PNB वाले में ऐसे 4-1 हज़ार ऐसे कुछ थे शायद बचे हुए, हाँ ऐसे ही थे। तो मैंने कहा इससे लेते हैं, SBI से लेते हैं। तो मैंने जैसे ही वहाँ फ्रिज फिक्स करके, भाई 12,500 का हो गया है, तो पैसे देखे भाई इतने इसमें है, इतने मेरे पास कैश है, तो मेरे अकाउंट से कितने निकालने पड़ेंगे। मैं बहुत कम उस अकाउंट से निकालती हूँ, जब मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं होते तब निकालती हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, ऑनलाइन बैंकिंग का जैसे ही मैंने ओपन किया, देखा सबसे पहले वो बड़ा वाला आंकड़ा दिखा मेरे को, 1,70,000 रुपये अंदर से विड्रॉ किए हुए दिखे, और उसके जस्ट नीचे देखा तो बैलेंस लिखा हुआ था, उसके बैलेंस उसके आगे आ जाता है, वहाँ देखा तो 340 रुपये।
मैं उस भाई को कहना चाहती हूँ कि तो लगा देता ना चेक 1,70,340 का, फिर 340 पीछे क्यों छोड़े। ये व्लॉग वगैरह क्या आते हैं ये तो है नहीं बचे हुए, और मैंने किसी को 20,000 रुपये उधार दे रखे हैं, तो एक वो है, तो वो तो बोली कर रखी है कि भाई इतने महीने से वापस देना, तो उससे पहले मांग भी नहीं सकते, क्योंकि पैसे चीज़ ऐसी है कि अगर आप मेरे से ले रहे हो, आप कहोगे मैं 2 महीने से वापस दूंगा, फलानी तारीख को दूंगा, तो भी आप 4 महीने से पहले नहीं दे पाते हो। ये एक पैसे का नेचर है, ये समझ लीजिए आप। जिसको पैसे की जितनी ज़्यादा ज़रूरत होगी पैसा उससे उतना ही ज़्यादा दूर भागेगा, ये पैसे का नेचर है। यूँ मत समझ लीजिए कि इंसान ही ऐसे होते हैं, इंसान तो हर मामले में ऐसे ही होते हैं, जो ऐसे जिसका नेचर ख़राब होता है वो हर मामले में ख़राब होते हैं, ज़रूरी नहीं पैसे के मामले में। कोई इंसान करोड़पति है, लखपति है, हमें पैसे चाहिए, हम उसे कॉल करेंगे ना, तो सच बताऊं उसके पास जितने हमने मांगे उतने पैसे उसके पास उपलब्ध नहीं होंगे, या फिर वो देने की स्थिति में नहीं होगा। चलो ये बात हुई। उसके बाद मैंने मेरी एक फ्रेंड को भी पैसे दे रखे हैं, जो कि मैंने दिए उसमें से 40-35% उसने मुझे वापस दे दिए, और कुछ 45,000 बाकी है। मैं ऐसे ही तो किसी को पैसे देती हूँ नहीं, तो मैंने यूं ही दिए नहीं कुछ, क्या कहते हैं उसको, चीज़ रख के फिर ही दिया। तो भले मेरे मतलब जैसे भाई बहन या फिर भाभी या माँ बाप होते हैं ना, मैं एक बात आपको बता दूं कि मुझे मेरी खुद की अलावा मेरी परछाई पर भी भरोसा नहीं करती मैं। अब भले कोई कितना ही खून का रिश्ता हो, या कितना ही बेस्ट फ्रेंड हो, या कितना ही खास हो, कितना ही मैं उसको जानती हूँ, भरोसा तो अब किस पर भी नहीं कर सकती। तो अगर मैं किसी खून के रिश्ते वाले को या मेरे किसी खास को पैसे देती हूँ ना, तो भरोसा करके नहीं देती हूँ, मैं ये सोच के देती हूँ भाई ये अपना है, देगा वापस तो ठीक है, नहीं देगा तो अपने पैसे अपने ही घर में गए, क्या हो गया, चलो उसी के लिखे हुए थे और चलो जाओ। एक भाई ने मेरे से मांगे थे, काफ़ी पैसे मांग लिए थे, तो मैंने कहा देखो भाई जान पहचान है तो भाई 15,000-20,000 रुपये दे सकते हैं, ठीक है तेरे को ज़रूरत पड़ी तो मैं दूँ, कल मुझे ज़रूरत पड़ेगी तू देगा, ये बात सही है, पर इतने पैसे दे के मैं ना दुश्मनी किसी से नहीं लेना चाहती। तो मतलब अगर वो पैसे भी मैं उसको देती तो मेरा बच जाता हो सकता है, लेकिन वो मैंने दिए नहीं। फिर उस भाई को जो मैंने जो कम ऑफ़र किए वो भी उसको बचे नहीं, तो मतलब अगर वो 20-25 ले लेता तो भी मेरे बच सकते थे। लेकिन एक सच बात बताऊँ, ये पैसे कहीं नहीं बचने वाले थे, क्योंकि जो इंसान मेरा चेक चोरी करके पिछले इतने टाइम से बैठा था, 4-4 चेक चोरी करके, और उसने अपने मुंह से बताया तब मुझे पता चला कि उसने 4 चेक चोरी किए, और ये पैसे निकले तब मुझे पता चला कि इसने कब चेक चोरी करके रखा था। मुझे जानकारी होती तो कोई भी अपना पैसा नहीं डुबोने देता, पैसा जो है 5 रुपये भी कोई इंसान जो है दुकान पे सामान लाने जाता ऊपर नीचे होता है तो कड़े कर लेता, पता है ना। पैसा तो था नहीं, मैंने चेक छोड़ दिया और उसको फंसाने के लिए मैं अपने 1,70,000 का चूना लगा लूँगी। जिस इंसान ने अभी इतने पैसे हड़पे हैं वो जो है बाद में हो सकता है मेरे खाते में कभी 5 लाख हो तो वो 5 भी हड़प सकता था, लेकिन पहले मेरा कहने का मतलब ये है कि ये तो मेरे साथ पहले या बाद में होना ही था, क्योंकि मुझे इन चेक की जानकारी नहीं थी। जब हमें जानकारी नहीं थी तो ना हम चेक बंद करवाते, ना हम कोई पुलिस कार्रवाई करते, तो फिर मतलब कभी न कभी ये चेक यूज होने ही थे। तो मैं यूँ नहीं कह, अब हम भले कितने इधर उधर से बात लगा लें कि ऐसा होता तो अपने पैसे बच जाते, ऐसा होता तो अपना पैसा बच जाते, लेकिन जो चोर था ना उसकी प्लानिंग जब इतनी लंबी हो तो अपना सीधा साधा दिमाग जो है कहीं काम नहीं आता। तो आपको बताया कि इतने पैसे बाकी जो है ममार्थ के मेरे पैसे आने थे, 3 महीने के 15,000 आने थे, जो कि आए कि नहीं आए अभी मुझे पता नहीं, क्योंकि ऊपर का मैंने स्टेटमेंट पूरा देखा नहीं है कि ये जो 1,70,000 चोरी हुए उसके पहले ममार्थ के आए हैं कि नहीं आए। अक्सर आते हैं तो वो मैडम बता देती है कि आपके पैसे आ गए हैं, लेकिन अगर आ गए हैं तो इसके साथ चले गए, लेकिन मुझे लगता है वो पैसे नहीं आए हैं लगभग, अगर नहीं आए तो वो 15,000 फिर बच गए हैं। और इसके अलावा अब जो है ना यूट्यूब वाले तो जो 15 पहले के फंसे हुए पड़े हैं और बाकी इस महीने के कुछ बनेंगे वो तो महीना भर बाद ही आएंगे, महीना भर बाद नहीं 20-21 दिन बाद तक आएंगे, तो तब तक तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, उधार लेके काम चलाओ यही है बस। लेकिन सच बताएं उधार लेने में भी काफ़ी सबसे जो है ना बुरा अनुभव है ना वो उधार लेने में है, खास करके तब जब हमने नहीं ले रखा है कभी भी।
हाँ भाइयों से लेती थी मैं जब जरूरत पड़ती थी, तो वो अपनी खुशी से देते थे तब लेती थी, और अब भी मांगू तो खुशी से वो दे देंगे, लेकिन तब मकान का काम चल रहा था, सोच रहा था भविष्य, सोच रहे थे भविष्य बन रहा है तो ले लेते। अब मतलब परचून के लिए भी अगर कर्जा करेंगे तो कितने दिन तक करेंगे। और हाँ 1100 रुपये निम्बा एंड फैमिली इनके, मतलब इनसे मैं मांगती हूँ, इन्होंने कोई सामान मंगाया था। फिर मैंने फ्रीज कैसे खरीदा, तो फ्रीज मैंने ऐसे खरीदा कि उसी दिन सुबह जो 1,70,000 का ट्रांजेक्शन बता रहे थे ना, उसके नीचे 46,000 की एंट्री थी, उसी दिन सुबह मेरी सैलरी आई थी। पहले क्या होता था, सैलरी 2 महीने मेरी आई थी ज़्यादा, 10-10 हज़ार ज़्यादा आई थी, क्योंकि उसमें से कोई कटौतियाँ थी दो, जो वो जो पहले कटी नहीं थी तो वो जुड़ जुड़ के आती थी। 2 महीने काफ़ी खुश किया, वैसे हमें तो पता था कटेंगे बाद में, तो वो तो मतलब है 2 महीने 56,000 आए थे और इस बार 46-47 हज़ार आए थे। तो उन पैसों का मैंने क्या किया, उसमें से 7,000 तो मैंने निकाल लिया, क्योंकि पीछे रखना था अकाउंट में, क्योंकि अभी 38,000 के लगभग किस्तें कट जाएगी, तो पीछे वो 2,000 बचेंगे, यानी कि मेरे पास अभी मेरे खुद के पास वो 2,000 रुपये हैं, और 7,000 मैंने उसमें से निकाले, और उस फोन पे वाले में 4-1,000 थे, टोटल मिला के 11,000 हुए। 11 मैंने उसको पेमेंट किया उस फोन पे से दुकान वाले को, सपना इलेक्ट्रॉनिक वाले को, और बाकी मैंने 1,500 मैंने कैश दिया, क्योंकि मेरे पास 2,250 थे जो कि पियर गई थी ना, कोई भाभीियों ने चाचियों ने 500-500 रुपये दिए थे, तो वो थे मेरे पास, कुछ मम्मी ने इन्होंने भी दिया था, तो आधे तो खर्च हो गए थे और वो उतने थे, तो वो भी उस दिन वो सामान लाने की थोड़ा बहुत लाई, घर आई तब तक कुछ नहीं था पास में। तो आपको बता दूँ कैश नाम में तो 0 है, मम्मी से उधार लेके काम चला रही हूँ, और अकाउंट ऐसे हैं जो आपने देख लिए हैं, इतना है मेरे पास, बाकी कुछ नहीं है, ऊपर वाले की कृपा है, ऐसे कोई कंगाल हुए नहीं हैं, ये थोड़े बहुत उधार दिए हुए थे तो ठीक है, ये बच ही गए अपने पास, और एक मेरे भाई में मैं 17,000 मांगती हूँ तो वो भी बचे हुए हैं, क्योंकि वो भाई को मैंने ना पहले कोई सामान लाना था उस टाइम मैंने दे दिए थे, तो अब मुझे लगता है कि वो ऐसे उसके दिमाग से निकल गई है, तो जैसे ही बोलूँगी वो तो दे देता है, मेरे कोई भी भाई ऐसे आनाकानी नहीं करते हैं, मतलब मैं ऐसे भी अभी बोल दूँगी 17 की जगह कि मैंने 27,000 रुपये तो तेरे उस सामान के दिए थे, तो इतना भी नहीं पूछेंगे 27 दिए या 17 दिए या हिसाब किताब चट से निकाल के दे देंगे। ये था मेरा हिसाब किताब। अब आप बात करते हैं, हम बात करते हैं कि ये लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं। पूरी तरह चाहता है कि ये घर बर्बाद हो जाए मेरे ससुर का पूरा का पूरा। वो इसलिए चाहते हैं कि इन लोगों का शुरू से ही उनके साथ क्या किसी भी गोष्ठी के साथ सही रिश्ता नहीं रहा, मतलब इनके जो ये रिश्तेदार और इनके पड़ोस वाले जो भी इनका ये कुनबा है, किसी में भी उनका इन तीन लोगों का तो खास करके व्यवहार सही रहा नहीं। इसलिए देखो आखिर लोग जो हैं दुश्मन बनते हैं, तो ये चाहते चलो इनका बुरा होन दो, तो कुछ सिर्फ सोच के रह जाते और कुछ जो है बुरी तरह उनको जो है आपस में भिड़ा के घर बर्बाद करना चाहता है। तो सही बताऊं, इसके खुद के, इस आदमी के खुद के चाचा और ताया के बेटे, तीन आदमी इसके खुद के भाई, मतलब जो चाचा ताया के भाई, वो कुछ इसके स्टाफ जो कोर्ट स्टाफ है, ये सब मिलकर जो है एक प्लानिंग बनाते हैं, एक जगह बैठ के प्लानिंग बनाते हैं। और क्या प्लानिंग बनाते हैं, देखो मैं भले यहाँ पर सबूत ना दूँ, मेरे पास कुछ सबूत होता है तब मैं यहाँ बोलती हूँ, ताकि जिस दिन ऐसी आके मेरे पे फंसे ना कि तूने मेरे बारे में झूठ कैसे बोला, कुछ सबूत लेके आ, तो उस टाइम मैं दे सकूँ। ज़रूरी नहीं है हर जगह मैं ऐसे सबूत फेंकती रहूँ, कुछ मेरे पास आता रहता है तब मैं बोल देती हूँ। अब देखो इन लोगों ने क्या प्लानिंग करी है, वो जो तीन भाई बोल रहे हैं ना खुद को इसका, वो तो इसको और इसके पूरे परिवार को बर्बाद करना चाहता है। अब आप लोग सोचेंगे जब वो बर्बाद करना चाह रहे थे, आप खुद क्यों घर बर्बाद कर रहे हो, अब मैं कैसे बनाऊँ, ज़बरदस्ती कैसे बनाऊँ, मैंने 15 साल कोशिश कर ली ना। तो इन तीन लोगों ने, इन इतने लोगों ने, ये इसके भाई, इनका नाम भी ओपन करूँगी मैं, ज़रूरत पड़ी तब करूँगी और 100% करूँगी। तो ये जो इसके भाई हैं और ये जो कोर्ट स्टाफ है, सारे मिलकर उन तीनों लोगों पर दबाव डाल रहे हैं जो आगे मीडिएटर रहे हैं पैसे चोरी करने में। तुम ऐसा करो, तीनों के तीनों मामला गमू पे ठोक दो, कह दो कि गमू ने हमसे पैसे लिए थे 2 लाख और गमू ने ही हमको चेक दिया था ताकि तुम्हारे पैसे आ गए हैं, तुम बैठे मौज करो, गमू जाने, गमू का काम जाने, बच्चे भले उनके खाने पीने को है नहीं है, अपने को क्या करना, दुनियादारी में हम कितने पूरे पड़े,
तो अब ये उन पे दबाव डाल रहे हैं, देखते हैं कि इस दबाव का असर कब तक होता है। ये पूरी प्लानिंग करके इस तरह जो है, और आपको बता दूं कि जो कोर्ट स्टाफ इसके साथ है और जो ये इसके भाई इसके साथ है, मुझे तो यूं लगता है कि आज तक जितना भी इस आदमी ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, सारे फ्रॉड में ये लोग साथ थे तभी इतना सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ तो उनको खाने को मिल रहा है तभी कर रहे हैं ना, बाकी तो इसके गांव में गोश्ती और भाई इसके लगभग 150,000 लोग हैं, कोई तो इसका सपोर्ट नहीं करता। यहाँ तक कि इसका बाप और माँ भी इसका सपोर्ट नहीं करते। तुम कर रहे हो, इसका मतलब कुछ तो तुम्हें मेरे वाले फ्रॉड से मिला है आज तक। तुम लोग भी फ्रॉड करने में साथ थे और अब भी तुम्हें कुछ न कुछ मिलेगा, तब तुम कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता है सामने वाला गलत है, पूरी दुनिया को पता है, फिर भी तुम उसका साथ दे रहे हो और कह रहे हो घमू डूबे तो डूबे, सब उस पे डाल दो। मतलब ये जो चार लोग हैं ना गिरे हुए, और ये जो कोर्ट स्टाफ जो इसके साथ है, मैं सारे का नहीं कह रही, जो इसके साथ है, ये यहाँ तक इस 170,000 के लिए गिरने को तैयार है कि घमू की भले जॉब जाए तो जाए, बच्चे भूखे मरे तो मरे, 170,000 जाए तो जाए, लेकिन जिस आदमी ने मैन फ्रॉड किया वो बचना चाहिए और 170,000 रुपये बचने चाहिए। वाह, इतनी बद्दुआ लगेगी, बाई गॉड इतनी लगेगी, इस भैरे को लगी बद्दुआ, इसलिए ये आलू है इसके, और तुम लोगों को भी लगेगी। इस भैरे ने इस इंसान को, ये मेरे में इतने हाल हुए, इसमें 90% इसके हाथ थे, क्योंकि वकील बन के इसको हर जगह बचाता रहा, और आखिर इसमें पाप फूटा और तुम लोगों में भी फूटेगा, और तुम लोगों के तो मैं नाम उजागर करूंगी तरीके से, कानूनन तरीके से सही से करूंगी, ठीक है, और वीडियो पर भी कर दूंगी। ये मत सोचना कि आप वीडियो पे धमकी दे रहे हो या फिर ऐसे बिना किसी आधार के नाम ओपन कर दोगे तो हम जो है इसका मानहानि वगैरह लगा देंगे, कुछ भी कर देंगे। वो तरीका मेरे को आता है कि मानहानि किस केस में होती है, मानहानि के तरीके से मैं नाम बताऊंगी, कैसे बताऊंगी, दिमाग तुमसे भी अच्छा चल रहा है मेरा। ये 170,000 के पीछे तुम्हारी जो इज्जत है ना, उनका भट्टा बैठ जाएगा। मेरे गोरशियों से अभी तक कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन ये चार दारूडिये इसके साथ क्यों आ रहे हैं, ये चार दारूडिये इसका साथ क्यों दे रहे हैं, मुझे ये बताओ, पैसे के लिए या दारू के लिए? आखिर तो मैं इतने दिन सहन कर रही थी, कहीं पर भी आके ये मुझे गालियां दे रहे थे, कमेंट में गालियां दे रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, तो मुझे, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा लोगों पे कितना ध्यान दे, लेकिन अब तो ये यहाँ तक पहुँच चुकी। अगर तुम लोगों ने इस आदमी के फ्रॉड में साथ दिया तो फिर मुझे ये मत बोलना कि हमसे भी दुश्मनी ले ली गमू ने। मैं अभी तक कह रही हूँ मुझे बाकी किसी गोरसिये से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन मेरे बच्चों के पेट पे लात मारी और मेरे बच्चों को बर्बाद किया तो बद्दुआ ऐसी लगेगी, बाई गॉड तुम्हें ना लास्ट कीड़े भी नहीं खाएंगे, ऐसी हालत होगी तुम्हें। भगवान इसी जन्म में हिसाब करता है। वीडियो में मुझे सिर्फ अपने पैसों का हिसाब किताब बताना था, ये फ्रॉड मुझे नहीं खोलना था, भले कुछ भी करे, लेकिन एक बार मैं इन लोगों को बता देना चाहती थी कि जब मैं तुम लोगों के सामने खड़ी हो जाऊंगी ना, फिर वापस नीचे नहीं बैठूंगी। ये तुम सब लोगों को पता है कि मैं जब समझा समझा के थक जाती हूँ और फिर मैं अपने जो कानूनी हथियार उठा लेती हूँ, तो फिर किसी का बाप भी नहीं आ सकता, और कुछ भी करके तुम लोग जो है मुझे थोरे नोरे क्या रो कर भी तुम मुझे बिठा नहीं सकते वापस। इसलिए पहले कह रही हूँ,